पर। टिप्पा ने दुपहिया चालक को कुचला। पटना की बार जेल में की गई छापेमारी। यशवंतपुर टाटा नगर एक्सप्रेस में लगी आग, नुकसान की आशंका। अब खबरें विस्तार से। टिप्पर ने दोपहिया चालक को कुचला। नागपुर कांफी रोड में गिट्टी गोदाम परिसर में एक टिप्पर ने दोपहिया चालक को कुचल दिया है। इसमें से चालक की जगह पर ही मौत हो गई है। हादसा रविवार की देर रात करीब 12:30 बजे हुआ है। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक टिप्पर को लेकर फरार हो गया है। मृतक का नाम झिंगा बाई टाकली साई हाउसिंग सोसाइटी निवासी आशीष रविंद्र जाचक 37। जानकारी के अनुसार आशीष प्रिंटिंग प्रेस में है। काम निपटने के बाद वह अपने घर 12:30 बजे को घर लौट रहा था। इसी बीच गिट्टी गोदाम चौक के पास टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी थी। टिप्पर का पहिया आशीष के ऊपर से चला गया था, इसी बीच उसकी जगह पर ही मौत हो गई थी। सदर पुलिस ने उप निरीक्षक विनोद मात्रे इस मामले की जांच कर रही है। पटना जिले के बाढ़ जेल में आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। अगले सुबह की गई छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी भी हुई है। छापेमारी के दौरान बाढ़ एसडीओ भी साथ थे। अचानक की गई छापेमारी से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाढ़ की सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को सूचना मिली थी कि जेल के कुछ कैदियों का बाहरी अपराधियों के साथ संपर्क बना हुआ है। इस बीच सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की। मंगलवार तड़के 3 बजे आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम जेल में प्रवेश कर गई। 3 घंटे तक सभी वार्डो की तलाशी की गई थी। तलाशी के दौरान पुलिस को 3 मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की बैटरी, लोहे के रॉड, सिगरेट, गुटखा, गांजा काटने वाला चाकू मिला है। सभी सामान को जब्त कर लिया गया है और कैदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। यशवंतपुर टाटा नगर एक्सप्रेस में लगी आग, भारी नुकसान की आशंका। अमरावती आंध्र प्रदेश में यशवंतपुर टाटा नगर एक्सप्रेस के पेटी कार में आग लगने से भारी नुकसान होने की खबर मिली है। हालांकि इस घटना में किसी के मरने और घायल होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने की यह घटना राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के गोलापारुल रेलवे स्टेशन के आसपास में हुई है। ट्रेन के पैटी कार में आग लगने के तुरंत बाद मौका एक वारदात पर दमकल कर्मी पहुंचे। सतर्क अधिकारियों ने यह सूचना दमकल कर्मियों को दी। आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है, ऐसी खबर मिली है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।